Hey, hello, my dear students. How are you all? I hope from you are very, very well, happy and safe at your home. If you have any problem, any type of query related to your English subject, you can ask me anytime without any hesitation. Okay, my dear students. So I know very well you were waiting for my English online class. So I am here for you. I am your English teacher, Mansi ma'am. Okay. So, लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? इस पे हम लोग एक्सप्लेनेशन चल रहा था और आज हमारा लास्ट पेज है एक्सप्लेनेशन का. तो वो जो गेपेटो थे, गेपेटो जिन्होंने पिनाकियो नाम का एक पपेट बनाया था, और वो पपेट ऐसा था कि बोल सकता था, चल सकता था, डांस कर सकता था. और उसके लिए डिसाइड हुआ कि उसको स्कूल जाना है. स्कूल जाते वक्त रास्ते में उसको एक पपेट शो दिख गया. वो वहाँ रुक गया और पपेट शो उसने अटेंड किया, जहाँ से उसको 5 कॉइन्स मिले. ठीक है, तो अभी क्या था कि एक कैट रास्ते में उसको एक कैट और फॉक्स मिलते हैं. कैट और फॉक्स का प्लान होने लगा कि कैसे इससे ये कॉइन लिए जाएं. बल्कि जो पपेट था, वो जो पिनेकियो था, वो क्या चाहता था कि अपने गपेटो के लिए हम एक प्रेजेंट ले सकें. उन्हीं 5 कॉइन से वो प्रेजेंट करना चाहता था अपने मास्टर को, या फिर बोल सकते हैं वुड कार्वर को, जिन्होंने उसको मेक किया और जिन्होंने उसको डिज़ाइन किया. ठीक है, तो बच्चों वो क्या था कि फिर उन लोगों ने चाल चली, किसने? कैट और फॉक्स ने, और बोला कि आप यहाँ पर उसको डिग कर दीजिए 5 पॉइंट्स को, और वो आपको कुछ देर बाद कन्वर्ट मिलेंगी, आपको गोल्ड हो जाएंगी. अब उसने कहा अच्छा ठीक है, कर लेते हैं. पपेट ने ऐसे ही किया जैसा कि फॉक्स और कैट ने कहा. लेकिन कुछ देर बाद वो लोग, कैट ने बोला चलो तब तक खाना खा लेते जब तक ये कन्वर्ट हो जाएगा गोल्ड में. ओके, वो जा ही रहे थे कि तब तक इन लोगों ने चोरी छिपे वहां से निकले और चोरों की ड्रेस पहन कर आए और इससे छिनाने लगे, क्या कॉइन्स लेने लगे. तभी एक वहां पर फेरी आती है, फेरी जो कि अपने डॉग के साथ वहाँ आती है. घूमते घूमते वो देखती है कि ये जो पपेट है यानी पिनेकियो है, इसको हेल्प की नीड है. तो उसने अपने रोफोस को बोला होता है कि आओ जाओ और उसकी हेल्प करो. जैसे ही रोफोस वहाँ बाग करता है और उसकी बाग वो फॉक्स और कैट सुनते हैं, वो लोग भाग जाते हैं चट से. ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन, आस्क द फेरी. अब फेरी पूछती है कि क्या यहाँ हो रहा था, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर, व्हाई आरंट यू इन स्कूल लिटिल बॉय, इनक्वायर्ड द फेरी. फेरी ने पूछा कि क्या यहाँ हो रहा था और ये सब क्या है, आपका नाम क्या है, और आप एक स्कूल लिटिल बॉय यहाँ क्या कर रहे हो, क्या है ये सब. फेरी ने पूछा जो उसके दिमाग में क्वेश्चंस है. ओके, तो उसने बताया माई नेम इज पिनेकियो, स्माइल पिनेकियो. वो हंसते हुए बोला एन एक्सेस नॉट टू बी कॉफ मिसिंग स्कूल, और मैंने स्कूल नहीं मिस किया है. एंड सेड आई एंड आई डिड गो टू स्कूल टुडे, मैं स्कूल गया आज. आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स, और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ खेला. नो सूनर डिड ही बिगिन दैन हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर. व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इज माई नोज ग्रोइंग सो लॉन्ग, क्राइड पिनेकियो. नाउ व्हाई डू यू थिंक हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्ग, दिस इज बिकॉज ही टोल्ड अ लाई. ओके, क्या हुआ कि उस फेरी ने पूछा कि तुम इस स्कूल ड्रेस में यहाँ क्या कर रहे हो, क्या मैटर है, क्या हो रहा है. तो उसने बोला मेरा नाम है पिनेकियो, बहुत ही स्माइल फेस के साथ. और उसने बोला कि मैंने स्कूल मिस नहीं किया है, मैं स्कूल गया था, मैं अपने दोस्तों के साथ मैंने खेला. और ऐसे बोलते ही बोलते क्या हुआ कि उसकी नाक लंबी होती चली जा रही थी. क्या वो चिल्लाने लगा व्हाट्स हैपनिंग, माई व्हाई इज़ माई नोज़ ग्रोइंग सो लॉन्ग, क्यों मेरी नोज़ इतनी लंबी बढ़ती चली जा रही है, क्या हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है पिनेकियो. नाउ व्हाई डू यू थिंक हिज नोज़ स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्ग, क्या आप सोचते हो कि क्यों उसकी नोज़ इतनी लॉन्ग हुई होगी. क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ही टोल्ड अ लाई, क्योंकि यह इसलिए हुआ क्योंकि वह झूठ बोल रहा था, या उसने झूठ बोला. ओके, आपको ये स्टोरी कैसी लगी?
वो बताइएगा, और अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।